फिरोजाबाद के मक्खनपुर में प्रतिष्ठित परिवार की पुत्रवधू अपनी ससुराल के गेट पर बैठी धरने पर। ससुराल के दरवाजे पर 24 घंटे से अपने भाइयों के साथ धरना दे रही है महिला। घर में ताला लगाकर ससुराली जन हुए फरार। ससुराली जन बहू को नहीं घुसने दे रहे घर में। पीड़ित ने जेठ पर लगाए उसको बेघर करने के आरोप। पीड़ित का मायका है लखनऊ में। मायके से कई वर्ष बाद अपने भाइयों के साथ अपने ससुराल आई बहू। थाना मक्खनपुर क्षेत्र के मायके से कई वर्ष बाद अपने भाइयों के साथ अपनी ससुराल आई है बहू। थाना मक्खनपुर क्षेत्र के सदर बाजार का मामला। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सरोज है और मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरा मायका लखनऊ में है। मेरे पति संजय कुमार हैं और मेरे ससुर महावीर प्रसाद, उनकी ये ज्वेलरी शॉप है। उनके बड़े बेटे मुकेश हैं, सेकंड नंबर के संजय हैं, तीसरे नंबर के आकाश हैं। इस समय में मेरी पति से शादी मेरी हुई 2003 में, 20 साल पहले हुई थी। मैं रह रही थी आराम से, लेकिन इधर इन्होंने मुझे 2.5 साल पहले 2021 अगस्त में प्रेगनेंसी के टाइम पर मैं अपने मायके चली गई। वहाँ पर बेटी हुई और होने के बाद वो एक्सपायर हो गई। फिर ये लोग मुझे बुलाने नहीं आए, इन्होंने कुछ भी खाली मुझसे मिल के मेरे सास ससुर चले आए। मुझे बुलाया नहीं, आश्वासन देते रहे आएंगे आएंगे। मैं इंतज़ार करती थी 5-6 महीने, इंतज़ार करने के बाद भी नहीं आए। अब फिर इन्होंने क्या किया, मैंने फिर मजबूरी में नोटिस भेजी। नोटिस भेजने के बाद ये लोग आए, बातचीत हुई, बोले कि ठीक है मैं आऊँगा आपको लेने के लिए, आप सोच लो समझ लो, त्यौहार कर लो आप। मैंने कहा ठीक पापा मैं आऊँगी। फिर इन्होंने मुझे आश्वासन दिया आने का, नहीं आए। इन्होंने वहाँ बहुविधा का केस डाल दिया उन्होंने। मैं बराबर अभी आप यहाँ पे कितने दिन से अभी हो? मैं कल से आई हूँ। मैं अपनी इच्छा से आई हूँ। मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ अपने पति के साथ में। मेरे ससुर भी तैयार है रखने के लिए, पर मेरे जेठ मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। जेठ का नाम क्या है? जेठ का नाम है मुकेश कुमार। वो मुझे बिल्कुल रखने के तैयार नहीं है। इस घर में ताला डाल दिया। मैं आई यहाँ पे, पापा ने कहा कि बेटा चलो आप, मैं रखना चाहता हूँ। मैं आई, तब तक ताला पड़ा हुआ था। कल से लेके आज तक मैं यहीं पे सड़क पे, मैंने पूरी रात काटी है, पूरा दिन काटा है, भूखे प्यासे यहीं पे बैठी है। तो आपके साथ और कोई भी है क्या? आप अकेले? भाई बहन है, मेरे भाई बहन मुझे छोड़ने आए हैं। मैंने कहा था मुझे अपने घर जाना है, रहना है, मेरे भाई बहन छोड़ने आए बेचारे, अपना काम सब बंद करके वो भी मेरे साथ यहाँ पे पड़े हुए हैं सड़क पे यहीं पे। और आज भी ससुर आए तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ताला खुलवाने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं ताला खुलवा रहा हूँ, बेटा तुम मेरे साथ रहना। मैंने ठीक है पापा जी, लेकिन मेरे जेठ ने फिर मना कर दिया और उनको ले गए यहाँ से। बोले चाबी नहीं है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं, हम नहीं रहने देंगे। ये कहाँ का मामला है? ये अभी यही मक्खनपुर थाना, मक्खनपुर का जिला फिरोजाबाद यूपी का। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो चाहती हूँ अभी भी रहना, पर वो रखने ही नहीं चाह रहे हैं। मेरी खास तौर से सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व मेरे जेठ है, भाई मुझे नहीं रखना चाहते। नहीं तो अभी अगर वो आते नहीं तो फिर आप क्या करोगे? अगर वो नहीं आते भाई, मैं अभी यही धरना दूंगी। मैं और कोशिश करूंगी रहने की, किसी भी तरह से मेरा घर बसाया जाए, रखा जाए मुझे। भाई कोई लड़की 20 साल के बाद में नहीं चाहती है कि उसका घर टूटे। वो भी चाहती है कि उसके जो 20 साल कटे हैं बाकी की लाइफ में अपने ससुराल वाले पति के साथ कटे। लेकिन मैं क्या करूँगी मुझे, मैं मजबूर हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मैं सड़क पर बैठी हूँ, भूखी प्यासी, वहाँ भी आएगी लेकिन खबर नहीं दी। मामला यही है कि दीदी रहना चाहती है बट उनके जेठ हैं बहुत ज़्यादा साजिश कर रहे हैं और रखने के लिए मना कर रहे हैं, जबकि वो होते कौन है मना करने वाले? उनके ससुर हैं, उन्होंने बोला है कि ठीक है बेटा तुम मेरे बहू हो, तुम आओ घर में रहो, अच्छे से रहो, लेकिन उनके जेठ बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो आप अभी यहाँ पर आए हुए कितने दिन से आए हुए हैं? हम कल आए हैं, कल दोपहर में आए हैं, कल दोपहर से यहाँ बैठे हुए हैं, ताला लगा के चले गए हैं लोग। हम लोग भूखे प्यासे यहीं सड़क पर ही बैठे हुए हैं। अभी तक वो आए नहीं? अभी तक कोई नहीं आया। आपने सूचना दी थी पुलिस को? पुलिस ने भी एक्शन लिया था। 112 पे भी हमने कॉल किया है, 112 कॉल किया, पुलिस आई है, उन्होंने भी उनसे बात की है, पर उस बात में कोई नतीजा नहीं निकला। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा और मैं अंदर नहीं लूँगा, तो जो करना है कर लो, धमकी दे के भी चले गए। तो यहाँ पर 24 घंटे के बाद में हम देखा क्या कुछ ना कुछ करेंगे आपके जवाब। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।